आइए बच्चों, आज हम सीखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में। कैट, कैट यानी बिल्ली। हाँ दोस्तों, हमारे घर में बिल्ली पाई जाती है। ये क्या है जो प्रोटेक्ट करता है हमें? जी हाँ, ये है डॉग। डॉग यानी कुत्ता, डॉग। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉर्स। हॉर्स यानी घोड़ा। ये देखिए, ये हमको दूध देती है और हमारे कई काम में आती है। इसको बोलते हैं काऊ यानी गाय। ये देखिए, ये है चिकन यानी मुर्गा। ये बताइए, फार्म में आप जाते हैं तो आप इनको देखते ज़रूर होंगे। अब बताइए, ये क्या जानवर है? अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के जल्दी बताइए मुझे। ये है शीप। शीप यानी भेड़। ये क्या है? ये है गोट। गोट यानी बकरी। आपने कई बार देखा होगा गांव में बकरी। बकरी का दूध बहुत फायदा होता है। ये कौन सा क्यूट सा जानवर है? ये कई लोग को बहुत पसंद आता होगा। इसको बोलते हैं रैबिट यानी खरगोश। बताइए, खरगोश कौन कौन देखा है? ये क्या है? ये है पानी में तैरती रहती है डक, जिसको हम लोग बोलते हैं बतख। ये तालाबों में पाई जाती है, स्विमिंग करती रहती है, इसको डक बोलते हैं। और ये क्या है? ये वाइट सा रहेगा, डक के जैसे ही रहेगा, पर इसको हम लोग बोलते हैं हंस। आपने कई बार सुना होगा, और इंग्लिश में बोलते हैं स्वैन। अब ये क्या है जो रोड पे खड़ा है? जी हाँ दोस्तों, ये है डोंकी। ये बहुत सारा सामान उठाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गधा हिंदी में। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लामा। अच्छे से याद रखना, इसको बोलते हैं लामा। ये कौन सा जानवर है? इसको बोलते हैं पैरेट। कई लोग ने देखा होगा इसको। इसको बोलते हैं पैरेट। तोता, तोता। हाँ सही बोले आप। ये है कबूतर, जिसको बोलते हैं पिजन। बोलो, जोर से बोलो, पिजन। और अभी हम लोग के पास में नेक्स्ट वाला जानवर है, वो है बफेलो। बफेलो किस किस को ये पता था वो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताए। बफेलो। और ये अभी हमारे पास में आने वाला है कैमल। ये रेगिस्तान में पाया जाता है, इसको ऊंट बोलते हैं। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो कमेंट में लिखे और लाइक करे ज़रूर।